फ्रेंड ऑल एजुकेशन फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी प्रैक्टिस से 20 क्वेश्चन लेके आए हैं जो दरोगा मेंस के लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। हिंदी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दरोगा मेंस के में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, अंधे के आगे रोना मुहावरे का अर्थ बताना है। अंधे के आगे रोना, इसका क्या होगा? इसका आंसर ए हो जाएगा, निर्दली से दया की याचना करना। निर्दली से दया की याचना करना, इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है अंधेरी नगरी। अंधेरी नगरी मुहावरे का अर्थ क्या है? अंधेरी नगरी में, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, राजविहीन जगह। अंधेरी नगरी राजविहीन जगह, तो इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है चालक स्वाति की बूंद का प्यासा होता है। स्वाति में शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। शुद्ध वर्तनी कौन सा है आपको बताना है। शुद्ध वतनी स्वाति इस तरह का लिखा जाएगा, देख सकते हैं इसका आंसर सी हो जाएगा, स्वाति, आधा स वाति स्वाति, तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है वह जीवन कृत्य है जो मातृभूमि के काम में आता है। तो कृत्य का शुद्ध वतनी कौन सा हो जाएगा, तो इसका आंसर चार हो जाएगा, कृत्य इस तरह का लिखा जाएगा, इसका आंसर चार हो जाएगा, देख सकते हैं कृत्य, इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है शत्रु। शत्रु का बताना है कौन सा हो जाएगा प्रवचित शब्द। इसका शत्रु का प्रवचित शब्द इसमें से कौन सा हो जाएगा, तब बी हो जाएगा, अरी। अरी ये जो है ये शत्रु का प्रवचित शब्द है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। छठा है दिनकर। दिनकर का प्रवाचित शब्द कौन सा हो जाएगा, तो दिनकर प्रभाकर। दिनकर प्रभाकर, इसका दिनकर का प्रवाचित शब्द प्रभाकर हो जाएगा, तो इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है इसको संधि विच्छेद है प्रत्युपकार। प्रत्युपकार संधि विच्छेद में कौन सा हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा, प्रतिजोड़ उपकार। प्रतिउपकार में प्रतिजोड़ उपकार हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है मनोयोग। मनोयोग का संधि विच्छेद बताना है, मनोयोग, तो इसका जगह बी आंसर, मनोयोग। ये देखिए मनोयोग इस तरह का लिखा जाएगा संधि विच्छेद में, मनोयोग, इसको भी आप याद रखेंगे। नौवा है निशाचर। निशाचर में कौन सा समास है, निशाचर, तो यह तत्पुरुष है। निशाचर एक तत्पुरुष है, निशा जोड़ चर, निशाचर, तो इसको भी आप याद रखेंगे। दसवां है दीनानाथ। दीनानाथ में कौन सा समास है, दीनानाथ, इस यह जगह कर्मधार है समास, कर्मधारय समास दीनानाथ, तो इसको भी आप याद रखेंगे। तो इस तरह के आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है अग्नि परीक्षा देना, मुहावरे का अर्थ कौन सा हो जाएगा, अग्नि परीक्षा देना, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, कठिन परिस्थिति में पढ़ना। अग्नि परीक्षा देना का मुहावरे का अर्थ कठिन परिस्थिति में पड़ना, इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है अगल का दुश्मन। अगल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ कौन सा है, महामूर्ख। महामूर्ख, अगल का दुश्मन महामूर्ख, तो इसको भी आप याद रखेंगे। प्रत्येक कथन का अपना एक संदर्भ होता है, तो संदर्भ में कौन सा सही है शुद्ध वतरनी खोजना है, तो इसका आंसर संदर्भ ये हो जाएगा बी। देखिए संदर्भ किस तरह का लिखा जा रहा है, इसको भी याद रखेंगे। सन्यासी निवृत्ति मार्ग को अपनाता है, तो सन्यासी किस तरह का लिखा जाएगा, शुद्ध वतरनी का चयन करना है, तो सन्यासी इस तरह के देख सकते हैं, इसका आंसर सी हो जाएगा, सन्यासी, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट चंद्रमा। चंद्रमा का आपको बताना है प्रवचित शब्द,
राशि हो जाएगा, चंद्रमा का राशि एक प्रवचित शब्द है चंद्रमा का। घर का प्रवचित शब्द बताना है तो घर का आप लोग बता सकेंगे निकेतन, ये आप लोग जानते होंगे घर का निकेतन, इसको भी याद रखेंगे। निरार्थक का संधि विच्छेद क्या है, निरार्थक इसका आंसर सी हो जाएगा, निरार्थक, निर जोड़ आर्थक, निरार्थक इसको याद रखेंगे। देख सकते हैं किस तरह लिखा जाएगा, ये सब नहीं होगा, निरार्थक सी हो जाएगा। तदेव, तदेव भी संधि विच्छेद बताना है तदेव का, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, तद जो एव तदेव, इसको याद देखेंगे तद जो ए तदेव। परमेश्वर, परमेश्वर का समास बताना है, कौन सा समास है, परमेश्वर, परमजोर ईश्वर, परमेश्वर ईश्वर, इसका आंसर बी हो जाएगा, कर्मधार है, परमेश्वर में कर्मधार है समास है। नेक्स्ट है धक्का मुक्की कौन सा समाज है, ये दंदु समाज है धक्का मुक्की, धक्का और मुक्की, इसमें और यह छुपा रहता है दंदु समाज, तो इसको भी याद रखें। तो आज के लेते हैं, अगर वीडियो पसंद आए लाइक करें सब्सक्राइब करें, तब तक के लिए धन्यवाद।